हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनसिन टेक वीडियोस में। आज मैं आपको बताऊंगा मॉर्फो डिवाइस विंडोज 10 में इंस्टॉल किस तरह करना है। इसमें आपको मैं 9 स्टेप में बताऊंगा, वो स्टेप बराबर फॉलो कीजिएगा तब जाके ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, इस पर आपको पहले मैं विंडोज़ ओरिजिनल रहना ज़रूरी है, तो ये स्टेप आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि विंडोज़ 10 का ISO या इमेज कैसा डाउनलोड करना है। मतलब अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो आपको टूल बार से डाउनलोड होगा, लेकिन अगर आप ये तरीके से करोगे मोबाइल व्यू से तो डायरेक्ट ISO डाउनलोड होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। ये अगर स्टेप ठीक रहा तो बाकी के स्टेप आप बराबर कर सकते हो। मतलब अगर ये विंडोज़ 10 ओरिजिनल नहीं रहेगा तो फिर आगे का स्टेप करके फ़ायदा नहीं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप इसके बाद के स्टेप करते हो, ये वाला स्टेप स्किप करते हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपको ये स्टेप नंबर 1 फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 यही है कि विंडोज़ 10 आपको गूगल में टाइप करना है। तीन डॉट में जाके मोर टूल में डेवलपर टूल्स पे क्लिक करना है। उधर पे मोबाइल व्यू रहेगा, उस पे क्लिक करना है आपको। मैं इसको जूम करके बता देता हूँ, 150% पे इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं देता है ना ISO। अगर मोबाइल व्यू में रहेगा तो ये डायरेक्ट ISO दे देता है, तो इसके लिए ये तरीका आपको बता रहा हूँ मैं विंडोज़ 10 डाउनलोड करने के लिए। इस पे विंडोज़ 10 सेलेक्ट करेंगे, कन्फर्म करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इंग्लिश सेलेक्ट करने बाद कंफर्म करता हूँ फिर से। ये देखिए यहाँ पे 64-bit 32-bit जो भी आपको डाउनलोड करना है कर सकते हो। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 है, मैं आपको क्या करना है कि ये RD सर्विस और उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसा करना है वो दिखा देता हूँ। गूगल में टाइप करें मॉर्फो RD सर्विस, ये देखिए वेबसाइट खुलेगी rdserviceonline.com, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड पे जाना है आपको और विंडोज़ पे जाके इसको आप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये डाउनलोड होने के बाद आप शो इन डायरेक्टरी में जाके इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के लिए इसे राइट क्लिक करना है और रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके यस करना है, ठीक है। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद PC एक बार रिस्टार्ट मार देंगे। स्टेप नंबर 3 बता देता हूँ आपको मैं। स्टार्ट में जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है एडिट, तो आपको एक ऑप्शन आएगा एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको उसका पाथ ऐड कर देना है जहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो वेरिएबल नेम टाइप करना है आपको PATH पाथ, और वेरिएबल वैल्यू जो रहेगी वो आप जहाँ पे इसको इंस्टॉल करे हो, जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है डिफ़ॉल्ट लोकेशन सी ड्राइव में। ये देखिए मॉर्फो RD सर्विस 0.soft, ये पूरा पाथ कॉपी करके आप उधर पे पेस्ट कर देना है वेरिएबल वैल्यू में। ये देखिए आप देख सकते हैं ऐड हो गया, इसको ओके करना है। ये होने के बाद स्टेप 4 बता देता हूँ आपको। स्टेप
स्टेप फोर में आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। इसमें प्रोग्राम एंड फीचर करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेट फ्रेमवर्क सर्विस 3.5 चालू रहना चाहिए, तो इसके लिए मैं ये क्लिक कर देता हूँ। इसके अंडर में जो दोनों भी सर्विस है उसको भी क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। इसके लिए ज़रूरी है इंटरनेट आपका चालू रहना चाहिए, नहीं तो ये डाउनलोड नहीं होगा और इंस्टॉल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहले देख लेना ये आपका इंटरनेट चालू है क्या नहीं। ये देख सकते आप डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया, अभी इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद स्टेप नंबर 5 में टाइम को सिंक करना ज़रूरी है, तो हम राइट क्लिक करेंगे टाइम पे, एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे और सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हो गया स्टेप कंप्लीट। और नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 पे आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 6 में स्टार्ट में जाना है और यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाना है आपको। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद फायरवॉल ऑफ रखना है, दोनों फायरवॉल को। स्टेप नंबर 7 में आपको ये जो विंडोज़ डिफेंडर होता है इस पे जाना है, क्लिक करना है उस पे, वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन में मैंने सेटिंग पे जाना है, रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ करना है क्योंकि इससे भी पोर्ट ब्लॉक होता है। ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन भी और टेंपर प्रोटेक्शन भी ऑफ करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 8 में कमांड में जाना है, cmd टाइप करके रन एस एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करना है, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है, फिर इधर पे टाइप करना है netstat स्पेस माइनस ab। यहाँ पे आपको दिखेगा मॉर्फो आईडी सर्विस 0soft.exe, तो देख सकते हैं आप ये सर्विस चालू है। स्टेप नंबर 9 में क्रोम ब्राउज़र में जाना है आपको और यहाँ पे आपको टाइप करना है chrome:// फिर फ्लैक्स flags फ्लैक्स टाइप करके एंटर मारना है, फिर लोकल टाइप करना है, लोकल होस्ट टाइप करने के बाद ये अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिसोर्सेस लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट को इनेबल करना है, फिर रीलॉन्च करना है। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद भी नहीं हुआ तो स्टेप 1 को फॉलो कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।